अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ आज एक अच्छी खबर शेयर करनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम प्री कोरोना पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, जो एक वीएन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दिया था, उसी को लेते हुए हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमने इम्प्लीमेंट किया, उसके जो रिज़ल्ट निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अनप्रेसिडेंटल हैं। कि जितना नुकसान होना था उसे अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए, और आज से पूरे पंजाब के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर जो तमाम एक्टिविटी हैं वो खुल गई हैं और तमाम चीज़ें नॉर्मल रूटीन पे आ गई हैं, माँ सिवाय जो मेजर पब्लिक गैदरिंग और जो स्कूल्स हैं उसके अलावा तमाम चीज़ें अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ गई हैं। तो इसके लिए मैं अपनी पूरी हुकूमत को और अपनी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को और अपने तमाम जो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं जिन्होंने इनके अंदर रोल प्ले किया, और हमारे तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और जितने भी लोग थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, उनको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। इसके बाद जो ईद के ऊपर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने अरेंजमेंट्स किए हैं उनके गवाह आप सब लोग हैं। ये मेरे ख्याल में इतनी अच्छी अरेंजमेंट शायद कभी न की गई हूँ। और लोकस्ट के ऊपर जितनी पंजाब की तारीफ हुई है उसको FAO ने उसको ऑन किया है और उसको कहा कि जितना अच्छा पंजाब ने परफॉर्म किया शायद किसी ने किया हो। इसके अलावा जितने भी चैलेंजेस आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हमने उनको हैंडल किया और उनका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट निकला। और अब मॉनसून का सीज़न है, इसके ऊपर भी मैंने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी है कि वो इमीडिएटली तमाम ऑफिसर्स फील्ड में निकलें और लोगों को रिलीफ दें, किसी किस्म की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर सूरत हाल आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के बाकी सूबों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और आज के हवाले से मैंने कैबिनेट कमेटी की मीटिंग प्रिजाइड की है यहाँ पे मुहर्रम अल हराम के हवाले से। तो प्री मुहर्रम जो अरेंजमेंट्स थे उनको हमने रिव्यू किया और उस सिलसिले में तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ हमने मशावरत की है और तमाम अरेंजमेंट्स को भी हमने रिव्यू किया। तो इंशाल्लाह इस मुहर्रम में बेहतरीन इंतज़ाम किए जाएंगे और हमारी जो कैबिनेट कमेटी है वो रेगुलरली इसके ऊपर मीटिंग करेगी और तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के ऊपर अब ख़ुद जाएगी और वहाँ तमाम जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर करेंगे और मुहर्रम डे के ऊपर भी पूरी पूरी मॉनिटरिंग होगी। और इसके लिए हमने आर्मी और रेंजर्स की भी रिक्वजिशन हम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह भरपूर तरीके के साथ तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे और इसका इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट निकलेगा। थैंक यू। सीएम साहब ये रहनुमाई फरमाएं कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद कुछ अरसे बाद आपकी तब्दीली की खबरें चलना शुरू हो जाती हैं, कोई आपकी आस्तीन के अंदर अपने कोई छुपे हुए सांप हैं या कौन है जो इस तरह की खबरें फैलाता है? देखिए आज तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं इस मुहर्रम के सिलसिले में जो स्पेशल जो इस मीटिंग के लिए आए हैं मेरे ख्याल में इसी पे हम बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। बट ये कल भी मैंने आपसे बात की थी कि हर कुछ अरसे के बाद हमारे खिलाफ़ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू किया जाता है जिसका मेन मकसद ये होता है कि डिस्टेबलाइजेशन लाई जाए और इस सूबे के अंदर जो गवर्नेंस है उसमें तातुर लाए ताकि लोगों का काम सफ़र हो, इस सूबे में जो जो तरक्की हो रही है वो उनको पसंद नहीं है तो वो इस तरह की बातें फैलाते हैं। सीएम साहब ये फरमाया गया कि इस वक्त जो शाये खुर्दोनोश की कीमतें हैं, आटे की कीमत बहुत ज़्यादा है, पंजाब हुकूमत ने यकीनी तौर पे तमाम चीज़ों पे आपने बहुत अच्छे तरीके से काबू पाया, आम गरीब आदमी आटे की कीमत बहुत ज़्यादा है, दिगर शाये खुर्दोनोश की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, 4 IG पंजाब तब्दील, 4 चीफ सेक्रेटरी तब्दील, कई चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज जो हैं वो भी तब्दील हो गए हैं, क्या वजह है, क्या समझते हैं इस हवाले से कोई कमी कुताही नज़र आ रही है या इस हवाले से अमल नहीं हो रहा? जहाँ तक जो दो इश्यूज़ को आपने हाईलाइट किया, अभी मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ और मिनिस्टर फूड को मैंने स्पेशली इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो इमीडिएटली इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर काम करें। जैसा कि आपको मालूम है अब इस साल हमने 41 लाख टन जो गंदम प्रोक्योर किया है वो एक पिछले 10 साल में रिकॉर्ड है कि हमने जितनी प्रोक्योरमेंट की है। अब हमने जो एक उसकी कीमत मुकर्रर की है 860 रुपये, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने खुद ही कन्फर्म किया है कि पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन काफ़ी बेहतर है बनिस्बत बाकी जो जितने सूबे हैं वहाँ पे। जहाँ तक प्राइस कंट्रोल किया है इसको रेगुलरली अभी इंशाल्लाह हम मॉनिटर कर भी रहे हैं और इसकी इंशाल्लाह मैं खुद भी करूँगा, आप देखेंगे कि काफ़ी बेहतरी आएगी। % जो कैमरे हैं आपके शहर में वो खराब पड़े हैं, इस वाले से क्या करें? जब सब्जी मंडी में ब्लास्ट हुआ पुरानी में वहाँ की फुटेज नहीं मिली थी, तो इस पर कब चीज़ें बेहतर होंगी? जी अच्छा साहब ये फरमाइएगा कोविड
कोविड-19 की जो सिचुएशन थी बहुत सारे ममालिक में ये ख़त्म हुआ, उसके बाद एक नई फेज़ आई, तो हमारे यहाँ भी ख़त्म हो गया, लोग रिलैक्स होते जा रहे हैं, तो जो सेकंड फेज एक्सपेक्टेड दूसरे ममालिक में क्या होगा, हम लोग क्या स्टेप जी मैंने जिस तरह आपको बताया है कि सबसे पहले जो आपके साथ मैंने खबर शेयर की है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन पंजाब के अंदर सिर्फ एक डेथ रिपोर्ट हुई है जो कि इंशाल्लाह यह भी ख़त्म हो जाएगी, बट इसके ऊपर हमें अपनी SOPs जो हैं उसके ऊपर स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना होगा, और स्पेशली मुहर्रम के अंदर अपने SOPs हैं उसको हमें फॉलो करवाना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि जब तक इसका वैक्सीन दरियाफ्त नहीं होता तो हम इसे हम आंखें चुरा सकें, इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं उनसे हमें अवॉइड करनी चाहिए। ये जो मास्क है ये हमें हर सूरत पहनना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपने जो सेफ सिटी की बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेट ऑफ द आर्ट सेफ सिटी है, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सेफ सिटी नहीं है। अच्छा, ये हमें खुशी है पंजाब के अंदर इस तरह की सेफ सिटी मौजूद है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में आगे हम रावलपिंडी में फिर अगले दूसरे शहरों में इस तरह की सेफ सिटी हम बनाने के लिए जा रहे हैं, और पंजाब के अंदर कोई भी केस इस तरह का नहीं है जो ट्रेस ना हुआ हो। आज के दिन तक इस सेफ सिटी की मदद से तमाम केसेस हमने ट्रेस कर लिए हैं। और मुगलपुरा थाना के जो DSP और SHO को मुअत्तल भी किया, CCP और लाहौर की कारकर्दगी और जो सेफ सिटी के सरबा की कारकर्दगी उस पर भी सवालिया निशान हमने लगाए थे, तो क्या वजूहत क्या हुई हैं इन दोनों महकमों की? और आपने ठीक कहा है कि पिछली रात को कुछ दिन पहले मैंने यहाँ लाहौर में विज़िट किया है और मैंने जहाँ जहाँ कोई कमी कोताही देखी है उन तमाम डिपार्टमेंट्स को मैंने डायरेक्शन दिए हैं और वहाँ पर हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ भी की हैं। जहाँ तक सेफ सिटी के कुछ कैमरों की बात थी, कुछ जो ख़राब थी इमीडिएटली उनको हमने ठीक करवाया, अभी आपको नज़र भी आएगा कि तमाम चीज़ें उसकी ठीक हुई हैं, और पुलिस के अंदर जहाँ पे हमने चीज़ देखी है वो हम एक्शन भी ले रहे हैं और इंशाल्लाह कार्रवाई भी करेंगे। अब ये नहीं कि ये सिलसिला रुक गया, ये चलेगा इंशाल्लाह इसी तरह। ये फरमाइएगा कि नैब को जब भी मुतहरक होता है तो ब्यूरोक्रेसी स्लो हो जाती है, हमने देखा सेक्रेटेरिएट में फाइलें दबी की दबी रह गई, डेढ़ साल आपके पहले जो डेढ़ साल था कोई काम नहीं हुआ। अब जो है फिर नैब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ रुख किया, आपके कबीना के वजीर को भी तलब किया और आपको भी तलब कर रखा है, क्या आप समझते हैं कि कल मरियम नवाज जुलूस के साथ जा रही है, वो कहती है कि अवाम से हमारे साथ है, आप 12 करोड़ अवाम के वजीर आला हैं, आपके जुलूस के साथ जाएंगे नैब, क्योंकि आप बेकसूर हैं। मैं क्यों जुलूस के साथ जाऊँ, मुझे क्या ज़रूरत है जुलूस के साथ जाने के लिए? मैं पर्सनली जा कर पेश हूँगा और अपनी सफाई दूंगा, वहाँ जो कुछ जो कानून के मुताबिक होगा वो होगा। सर एक आखिरी चीज बता दीजिएगा कि समीउल्लाह चौधरी साहब बोलते हैं तो वो कहते हैं कि आप लाहौर में शहबाज शरीफ लगे हुए हैं, फैजुल हसन चौहान साहब आपको मशवरा देते हैं कि जनाब नैब के खिलाफ ना बोलिएगा, तो ये क्या वजह है कि अभी भी जो आपके जो साथी हैं वो ये साबित करना चाहते हैं कि आप इनकी डिक्टेशन पे चल रहे होते हैं या ऐसे आप मुसलसल ये फीडिंग किया है? देखिए जी, मेरे साथी हैं, मेरे मिनिस्टर हैं, अपने डिपार्टमेंट्स को जो ऑन करते हैं और चलाते हैं, मैं आपके सामने हूँ, आपने जो सवाल करना है आप मर्जी कर लें मेरे से, पूछ लें जो कुछ पूछना है आपने मेरे से, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जब भी गवर्नमेंट आती है, जमहूरी हुकूमतें आती है, चाहे वो PTI की हो, पीपल्स पार्टी या नून लीग की, तो उसके खिलाफ जो है एक इदारा जो है वो मुतहरिक होता है, किसी ने करप्शन की नहीं की, उसके बाद में ये तहकीकात बाद में की जाती हैं। क्या समझते हैं कि नैब जैसे इदारे को ख़त्म होना चाहिए, इनमें कोई तरामीम की जानी चाहिए ताकि जो बेकसूर लोग जिनको पकड़ा जाता है उस देखें, बात यह है आप जो नैब की बात करें ये फेडरल इदारा है, ये सूबे के जुरिसडिक्शन में नहीं आता, जो चीज़ मेरे दायरा अख्तियार में ना हो तो उसके ऊपर कमेंट करना मेरा हक नहीं बनता। दूसरी बात आपने की है कि आपकी कुछ फाइलें रुकी हुई हैं, आप मुझे फ़ाइल का नाम बताएं, मुझे नंबर बताएं कहाँ रुकी हुई है, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। कौन सी फ़ाइल रुकती है? कोई फ़ाइल नहीं रुकती यहाँ पे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।